अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों आप देख रहे हैं एस के पी टेक टी वी और आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह अपने CNIC नंबर से तमाम इन्फॉर्मेशन सिम की निकाल सकते हैं कि आपके CNIC नंबर पे कितनी सिम्स वेरिफिकेशन हो चुकी हैं और कौन कौन सा नेटवर्क है। ये पूरी डिटेल अगर निकालना चाहते हैं आप अपने आईडी कार्ड नंबर से तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप किसी का भी आईडी कार्ड नंबर लिख के अपनी फैमिली में से किसी का भी नंबर लिख के या आपको कोई भी आईडी कार्ड नंबर पता है आप वो लिख के चेक कर सकते हैं कि उसके नाम पे कितनी सिमें रजिस्टर्ड है। दोस्तों बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपके घर में आईडी कार्ड होते हैं और उन पे पहले ही ऑलरेडी सिमें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं जब वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक नहीं थी। अगर आप अब उस पे अपने से अपने घर के आईडी कार्ड वगैरह चेक करना चाहते हैं कि आपके कितनी सिमें रजिस्टर्ड हैं आईडी कार्ड पे तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, और साथ ही लाइक कर दें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। इस तरह की वीडियोज़ उनको भी फ़ायदा हो जाता है। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों आप जो वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो के नीचे ये देखें, फ़र्ज़ कर लें मैं वीडियो चला लेता हूँ, ये मैंने अपने चैनल से एक वीडियो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इसी वीडियो के नीचे थोड़ा सा नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अगर ये साइड पे थोड़ा सा आइकॉन बना हुआ है स्टेटस बार, इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको इस तरह का एक लिंक मिल जाएगा। आपने इस लिंक पर क्लिक करके एक वेबसाइट ओपन होगी, मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। वेबसाइट ओपन होने वाली है, अभी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट पे जाके दोस्तों आपने, अभी मैं मेन पेज पे हूँ, आपके पास नीचे इस तरह का डाउनलोड लिखा होगा, आपने वहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने बहुत ही आसान तरीका इंस्टॉल करके ओपन करना है इसको। ओपन करने के बाद इस तरह का डिस्प्ले आएगा, आपने सिम चेकर पर क्लिक करना है। सिम चेकर पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ये सारा डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये कह रहा है CNIC नंबर, यहाँ पे अपना आपने अपना CNIC नंबर लिख देना है, 35400 जो भी आपका नंबर है। मैं यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिख लेता हूँ। जैसे ही आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिख लें तो आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने क्लिक करना है आई एम नॉट रोबोट, ये चेक करते हैं कि क्या आप रोबोट तो नहीं। आपने इस पर क्लिक करना है और ऊपर लिखा आएगा कि आप टिक करें जो भी लिखा है, कार लिखा है या स्टोर लिखा है, जो भी लिखा है आपने उस पर क्लिक करना है और वेरिफिकेशन करवा के सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब देख सकते हैं दोस्तों मैंने अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखा है और इस पर मेरे जितनी भी सिमें रजिस्टर्ड हैं और जो भी कंपनी के रजिस्टर्ड हैं वो आ गया सारा कुछ। यहाँ पे मेरे पास दो जैज़ की सिमें हैं और एक टेलनार की, आप देख सकते हैं जो जैज़ के आगे दो लिखा हुआ है और टेलनार के आगे एक, टोटल मेरे नाम तीन सिमें हैं आप देख सकते हैं। इसी तरह आप अपने आईडी कार्ड पे चेक कर सकते हैं कि आपके आईडी कार्ड पे कितनी सिमें रजिस्टर्ड है। अगर आप किसी का भी आईडी कार्ड पकड़ के चेक करना चाहें वो आपसे पूछे कि मेरे नाम कितनी सिमें हैं चेक कर दें, तो आप इस तरीके से उसको चेक करके बता सकते हैं और कौन कौन से नेटवर्क की है ये भी बता सकते हैं। इस वीडियो के नीचे जो मैंने लिंक दिया हुआ है आपने वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है ताकि आपको यही एप्लीकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी देखने को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।